हेलो दोस्तों, माय नेम इज विकास कुमार और आज मैं आपको साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बुक करने का एक पोर्टल की जानकारी दूंगा। आप इस पोर्टल इस वेबसाइट के माध्यम से आप इंडिया में कहीं भी रिसर्च कर रहे हैं और आपके अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप नियरेस्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आप आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से बुक कर सकते हैं। तो चलिए, उस सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है ISTEM। आपको पहला वेबसाइट ISTEM.gov.in पर आ जाना है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना होगा। यहाँ पर आप रजिस्टर देख सकते हैं, तो हम लोग रजिस्टर करते हैं। अगर आप PhD स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, इंडस्ट्री यूजर हैं तो आपको मिडिल वाले पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। यहाँ हम रजिस्ट्रेशन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल शुरू में फिल करना है, इसके बाद अदर डिटेल जो कि ऑप्शनल है आप नहीं भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देना, आप क्या हैं, इंडस्ट्री यूजर हैं, स्टार्टअप कंपनी है, क्या हैं, एकेडमिक यूजर हैं। अगर हम एकेडमिक यूजर मानी कि PhD स्कॉलर हैं तो हम एकेडमिक यूजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप किस इंस्टीट्यूशन में स्टडी करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको ID प्रूफ अपलोड करना है और सारा डिटेल फिल करने के बाद आप सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मेल पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं लॉगिन करता हूँ। यहाँ सबसे पहले ऊपर में देख सकते हैं टॉप में लॉगिन, तो हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। हम लॉगिन करते हैं। अभी हम कैप्चा फिल करेंगे। और हम लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरा पर यहाँ पर नाम शो कर रहा है और यहाँ पर राइट साइड में व्यू बुकिंग का ऑप्शन है जहाँ पर मैं क्लिक करके अपना बुकिंग देख सकता हूँ कि मैंने क्या कितना बुक किया है, कहाँ पे बुक किया है। अगर आप पहली बार आप बुक करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में इंडिया के बगल में आपको यहाँ सर्च इक्विपमेंट का ऑप्शन एक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और आप जो भी इंस्ट्रूमेंट आप सर्च करना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं कॉन्टेक्ट एंगल सर्च करके आपको दिखाता हूँ। मेरे यूनिवर्सिटी में कॉन्टेक्ट एंगल का सेटअप नहीं है तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने कॉन्टेक्ट एंगल टाइप किया तो ये बता रहा है कि इंडिया में 36 इक्विपमेंट फाउंड इन्होंने किया है फ्रॉम 27 इंस्टीट्यूशन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में है लेकिन इस पोर्टल पे जितने अपलोड किए हैं वो उसके माध्यम से। तो मैं नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाऊंगा और वहां पर बुक करूंगा। तो चलिए मैं, जैसे कि आप देखते हैं गुवाहाटी में है जो कि यहाँ से मेरे लोकेशन से 523 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और मैं नियरेस्ट चलूँ तो आप देख सकते हैं IIT पटना मेरा 491 किलोमीटर है। तो चलिए मैं ये IIT पटना में मैं बुक करना चाहता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप तो राइट साइड में आपका एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप व्यू मोर पर क्लिक करेंगे। व्यू मोर पर क्लिक करने के बाद आपको इक्विपमेंट के सारी जानकारी यहाँ पर मालूम चलेगा कि इक्विपमेंट का क्या टाइप है। मेक मॉडल यहाँ पर नहीं दिख रहा है लेकिन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा हुआ होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना रेट है, 2000 रुपीज पर आवर का रेट आपको लगेगा यहाँ पर। लेकिन आपको एक बेनिफिट है कि अगर आप एकेडमिक हैं, एक्सटर्नल हैं, मतलब एक्सटर्नल तो है ही मैं, तो एकेडमिक अगर आप हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री यूजर हैं तो आपके लिए थोड़ा डबल प्राइस हो जाता है, 2000 रुपीज़ पर आवर। तो ये आप यहाँ सर इस इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर इक्विपमेंट रिजर्वेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इक्विपमेंट रिजर्वेशन पर क्लिक करने पर आपके दो ऑप्शन आएगा। एक तरफ लेफ्ट साइड में आपको कॉन्टैक्ट ऑपरेटर का ऑप्शन दिखेगा। कॉन्टैक्ट ऑपरेटर पर क्लिक करके आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि आपका सैंपल ये किस टाइप का है और जो भी आपका क्वायरी है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं ऑपरेटर से। और दूसरा ऑप्शन मिडिल में आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट करके बुकिंग अपना कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट ऑपरेटर पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं कि आपका सैंपल का नेचर मेरा मेटल है, नॉन मेटल है, कंपोजिट है, जो भी है, और आप ये इस टाइप से आप टेस्टिंग कराना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो
तो जो भी आपका क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मिस्टर आनंद पांडे ने अपना एक क्वेरी यहाँ पर रेज किया है और इनको इसका रिप्लाई इनको एक ईमेल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं बुकिंग करने, हम बैक हो जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैं 9 अगस्त का डेट सेलेक्ट करता हूँ कि मैं 9 अगस्त को अपना टेस्ट कराना चाहता हूँ सैंपल। तो मैं अब इसके बाद आपको टाइम सेलेक्ट करना होगा, तो मैं 2 to 3 PM 14 to 15 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आवर कितना आप आवर बुक करना चाहते हैं, मैं 1 आवर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आप क्या सर्विस कराना चाहते हैं, करेक्टराइजेशन, फेब्रिकेशन, प्रोजेक्ट, मैं करेक्टराइजेशन करना चाहता हूँ। इसके बाद रिमार्क में आप अपना सैंपल का डिटेल डाल सकते हैं और उसके बाद सारा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड बुकिंग पर क्लिक करना है। प्रोसीड बुकिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना है, बुकिंग इन्फॉर्मेशन में भी कुछ नहीं करना है, आपको जाना है सीधे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में आपको आप क्या जॉब कर रहे हैं, यानी आप PhD स्कॉलर, इंडस्ट्री यूजर या किस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद कितना आवर आप लेना चाहते हैं, आपका नेचर ऑफ सैंपल क्या है, मेटल है, नॉन मेटालिक है, क्या है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से फिल करें ताकि ऑपरेटर को सही से समझ में आ सके कि आप किस टाइप से अपना टेस्टिंग कराना चाहते हैं। और इसके बाद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने कोई रेफरेंस पेपर पढ़ा हुआ है तो आप उस पेपर को अपलोड कर सकते हैं, जो कि उस ध्यान रखिएगा उस पेपर का साइज 2 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद अगर आप जो भी टेस्टिंग कराना चाहते हैं, तो अगर आप उस फी को चार्ज को रिम्बर्स कराना चाहते हैं, तो आप सही से अपना नाम और बिलिंग एड्रेस फिल करें ताकि आप बाद में रिम्बर्स भी करा सकें। क्योंकि कुछ जगह होता है कि प्रोफेसर का नाम डालने से वो प्रोफेसर लोग अपने फंड से उसको रिम्बर्स करा देते हैं। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको डायरेक्ट बुकिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही डायरेक्ट बुकिंग पर क्लिक करेंगे आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा और आपको मेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या बुकिंग किया। यहाँ व्यू बुकिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ, बुकिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ट्राइबोमीटर, नैनो इंडेंटेशन, टेंसियोमीटर, गोनियोमीटर, ये भी एक कॉन्टैक्ट एंगल का इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए मैंने बुक किया है। ट्राइबोमीटर मेरा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने रेसिप्रोकेटिंग टाइप ट्राइबोमीटर के लिए बुक किया था, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल अभी नहीं होने कारण, फंक्शन में नहीं होने कारण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और ये सब अभी मेरा पेंडिंग में है, लेकिन ये सबसे टॉप में जो आप देख सकते हैं हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी कॉन्टैक्ट एंगल, इसका मैं मुझे रिप्लाई आया है, फ़ोन से रिप्लाई आया, ईमेल से भी रिप्लाई आया कि आप 8 अगस्त को आइए, अपना सैंपल लेकर आइए और अपना टेस्टिंग करा लीजिए। तो ये ISTEM काफ़ी अच्छा पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। आप आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी इक्विपमेंट, आप मैंने तो कॉन्टैक्ट एंगल का आपको एग्जांपल दिया, आप कोई भी इक्विपमेंट सर्च करके और अपने नियरेस्ट प्लेस पर जाके आसानी से बुक करा सकते हैं और अपना रिसर्च को ईजी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो और लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप हेल्प करने में एबल हो तो मेरे पेटीएम अकाउंट पर जाकर मुझे हेल्प करें। थैंक यू, धन्यवाद।